गोदी मीडिया के हिंदू मुस्लिम एजेंडा से दूर जो छात्र दंगाई की जगह डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं उन पर फीस की बिजली गिरी है। उत्तराखंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मनमाने फीस बढ़ाने की छूट दे दी गई। यह स्टोरी बहुत सीरियस है। एक दिन आप भी इसी सिस्टम में गुलाम की तरह फंसेंगे और छटपटा के रह जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। उत्तराखंड कैबिनेट ने फीस बढ़ाने की छूट दी और उसके बाद जो फीस बढ़ी है उससे छात्रों की सांसें रुक गई हैं। वे ट्विटर पर पारदर्शिता का ढोंग करने वाले ढोंगी नेताओं को ट्वीट कर रहे हैं, मगर उनमें से किसी का जवाब नहीं आ रहा। यह कहानी भयावह है। कैबिनेट के फैसले के बाद वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने MBBS की जो फीस बढ़ाई है, पहले रेट सुनिए। पहले साल की फीस 6,70,000 से बढ़ाकर 23 लाख कर दी गई है, 23 लाख। दूसरे साल की फीस 7,25,000 से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। तीसरे साल की फीस 7,36,000 से बढ़ाकर 26 लाख कर दी गई है। सोचिए, यही नहीं, जो छात्र दूसरे वर्ष में पहुंच चुके हैं उनसे पहले साल की बकाया राशि ली जाएगी, यानी उन्हें दूसरे साल में 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हमारे सहयोगी दिनेश मानसेरा से हमने पूछा कि क्या ये सभी करोड़पति घरों के छात्र हैं, तो मानसेरा ने कहा ये सब नीट की प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आते हैं, मध्यम श्रेणी के, और बहुत से छात्र गरीब भी होते हैं, मगर डॉक्टरी के नाम पर एजुकेशन फीस ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं 50 लाख की, मगर फीस 13 लाख की जगह अब 2 साल में 43 लाख की हो जाएगी। ये किसी के लिए भी वज्रपात से कम नहीं। आप मेरी बात सुन सुनकर बोर हो गए होंगे, लेकिन ये बात मैं सोच समझ कर कहता हूँ। एक तरफ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों के सर पर डंडा चल रहा है। सोचिए, छात्रों पर यह समाचार परमाणु बम की तरह फटा होगा। इस फैसले के विरोध में देहरादून में गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के छात्र और उनके माता पिता पिछले 2 दिनों से कॉलेज के गेट पर धरना दे रहे हैं। वे रात को भी वहीं जमे रहते हैं, इनकी कोई नहीं सुनता, दिन भर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। इन्होंने लिखा है कि 2 मिनट भी दिखा दीजिए, शायद असर हो जाए। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री 6 लाख से सीधे 23 लाख फीस करने की इस नाइंसाफी की खबर पर नाराज होंगे और मुख्यमंत्री को फोन करेंगे और कल हम हेडलाइन चलाएंगे। इन छात्रों ने 50 लाख का एजुकेशन लोन लिया, अब उनकी पढ़ाई का खर्चा 1 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। इन प्राइवेट कॉलेज में अप्रैल महीने में इम्तहान होने हैं, अब ये पढ़ाई छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। केवल गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज ने ही फीस नहीं बढ़ाई, बल्कि उसके साथ साथ महंत इंद्रिश हॉस्पिटल और अन्य मेडिकल कॉलेज ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है। छात्रों का दावा है कि 400% फीस बढ़ी है। सोचिए, 400%, 6 लाख से सीधा 23 लाख। मजाक चल रहा है नौजवानों का। उन कॉलेजों में भी छात्र हड़ताल पर हैं। पिछले साल तक हमारी फीस थी 7,32,000 रुपए, इस साल उन्होंने वो फीस बढ़ा दी है 20 लाख रुपए में। हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की उन्होंने फीस करी है 6,70,000 से 23 लाख रुपए, जो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, कोई उन पे वैलिड रीजन नहीं है। जबकि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि फीस वृद्धि नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी सरकार और मैनेजमेंट ने साठगांठ कर इस फीस को 20 लाख कर दिया हमारी, जो हम 7,32,000 दे रहे थे, अब 20 लाख सालाना देनी पड़ेगी। और इन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल की भी आप, मतलब 7,32 और 20 लाख में जितना डिफरेंस है वो पिछले 2 साल का भी आप दो, मतलब अब वो चाहते हैं कि हम करीब करीब 50 लाख रुपए इनको 2 महीने में दे दें, जो इम्पॉसिबल है, असंभव है। 2 महीने में छात्रों के लिए 50 लाख रुपए दे देना, मजाक चल रहा है जो नौजवानों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा था कि हर राज्य फीस के लिए शुल्क नियामक समिति बनाए, अध्यक्ष को हाईकोर्ट का कोई जज हो रिटायर्ड। और उत्तराखंड में उस वक्त समिति बनी, मगर उसकी सहमति या अनुमति के बगैर कैबिनेट ने फीस बढ़ाने की छूट दे दी।